जब भी हम सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आरबीसी इंडाइसेस करके कुछ रहता है जिसे हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इसमें से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इनके बारे में आसान शब्दों में जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप आखिर तक ज़रूर देखिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ, और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इसमें चार चीज़ें आती है, यानी चार इंडेक्स आते हैं। पहला है, उसे कहते हैं एमसीवी, दूसरे को कहते हैं एमसीएच, तीसरे को कहते हैं एमसीएचसी, और चौथे को कहते हैं आरडीडब्ल्यू। तो ये जो सारे इंडाइसेस है इसे हम सिलसिलेवार तरीके से देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इसमें से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें से हमें क्या समझता है, इसमें से हमें ये समझता है कि जो आरबीसीज है इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आकृति, आकृति मतलब ये जो आरबीसीज है इनका साइज क्या है, इनका शेप कैसा है, और इनका कलर किस प्रकार का हो सकता है। तो ये जो आरबीसीज की जो आकृति है इनके बारे में हमें आरबीसी इंडाइसेस से जानकारी मिलती है। दूसरा जो है कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ ऐसा है कि जब भी एनीमिया का डायग्नोसिस होता है तो एनीमिया के जो डिफरेंट कॉजेस है या एनीमिया के जो डिफरेंट टाइप्स है इन्हें डायग्नोस करने के लिए फिर ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इनका हमें काम पड़ता है। तो दोस्तों, अब ये जो आरबीसी इंडाइसेस है इसमें के जो इंडिविजुअल जो अलग अलग इंडेक्स है इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो आरबीसी इंडाइसेस है आजकल लेबोरेटरी में डायरेक्ट मशीन से इसकी वैल्यूज निकाली जाती है, लेकिन ये जो इंडाइसेस है ये निकालने के लिए हमारे पास तीन वैल्यूज होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा जो है वो है आरबीसी काउंट, और तीसरा जो है वो है हीमेटोक्रिट, या फिर इसे पीसीबी भी कहते हैं। तो ये जो तीन जो वैल्यूज़ है ये जब हमारे पास होगी तो हम ये जो डिफरेंट इंडाइसेस है इसे फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंडेक्स है वो है एमसीवी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। मतलब ये जो इंडेक्स है इसमें से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो आरबीसी है, अलग अलग जो आरबीसीज है हमारी बॉडी में उनकी एवरेज साइज क्या है। तो आरबीसी जो हमारी बॉडी में रहती है वो अलग अलग साइज की रह सकती है, तो इनकी जो एवरेज साइज है वो हम एमसीवी से निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि हीमेटोक्रिट मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन आरबीसी काउंट, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 8200 FL, मतलब इसका जो यूनिट है वो है फेम्टोलीटर। तो ये है नॉर्मल वैल्यू एमसीवी की। अब ये जो वैल्यू के हिसाब से जो आरबीसी की जो साइज़ है वो तीन प्रकार की रह सकती है। अगर एमसीवी की जो वैल्यू है वो अगर 80 से कम हो जाए तो हम ये जो आरबीसी है इसे कहते हैं माइक्रोसाइटिक। अगर इसकी जो वैल्यू है ये 80-100 है तो हम इसे कहते हैं नॉर्मोसाइटिक, और इसकी वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तो हम इसे कहते हैं मैक्रोसाइटिक। अब माइक्रोसाइटिक आरबीसीज हमें कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यहाँ पे हमें माइक्रोसाइटिक आरबीसीज मिलती है। नॉर्मोसाइटिक आरबीसीज कहाँ मिलती है, कि एनीमिया ऑफ
क्रॉनिक डिसीजेज, जो अलग अलग क्रॉनिक डिसीजेस है उसमें जो एनीमिया रहता है उसमें हमें नॉर्मोसाइटिक आरबीसीज मिलती है। और मैक्रोसाइटिक का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब जो विटामिन बी 12, ये विटामिन की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है उसमें हमें मैक्रोसाइटिक मतलब बड़े साइज की आरबीसी मिलती है। तो इस प्रकार एमसीवी के बेसिस पे हमें जो एनीमिया है उसे तीन प्रकार से हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एमसीवी के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज एमसीएच। तो जो दूसरा इंडेक्स है वो है एमसीएच, जिसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि जो आरबीसीज है उसमें एक आरबीसी में एवरेज हीमोग्लोबिन कितना रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हीमोग्लोबिन इंटू 10 अपॉन आरबीसी काउंट, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 27 to 33 पिकोग्राम। लेकिन जो MCH है इसमें से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो RBCs है वो अलग अलग साइज़ की रह सकती है। तो हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो RBC है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये जानने के लिए फिर हम थर्ड इंडेक्स देखते हैं जो है MCHC। तो MCHC का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये MCH और MCHC इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप कंसिडर कीजिए कि ये एक बोरी है जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 80 यूनिट्स, 80 यूनिट्स की इसकी कैपेसिटी है, और इसमें समझो हमने एक सब्सटेंस डाल दिया वो है 40 यूनिट्स। अब ये जो 80 यूनिट्स की कैपेसिटी है उसमें 40 यूनिट सब्सटेंस है, तो ये हो गया MCH। और इसका अगर हमने परसेंटेज निकाला तो ये हो जाएगा 50%, तो ये हो गया MCHC, मतलब मीन कॉर्पोस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक आरबीसी में एवरेज जो हीमोग्लोबिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन हीमेटोक्रिट, और उसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो आता है 32% to 38%। अब इसके हिसाब से भी फिर आरबीसीज का क्लासिफिकेशन होता है। अगर 32% से अगर लेस है तो इसे हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक, अगर 32 to 38 है तो हम इसे कहेंगे नॉर्मोक्रोमिक, और 38 से अगर ज़्यादा है तो हम इसे कहेंगे हाइपरक्रोमिक। तो क्रोमिक का मतलब क्या होता है, कलर, मतलब 32% से अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो आरबीसी जो है वो पेल दिखेंगे। आरबीसी का जो कलर है वो किससे आता है, वो आता है हीमोग्लोबिन से। नॉर्मली जो आरबीसी है वो इस प्रकार डम्बेल शेप की रहती है, और उसके जनरली ये जो पेरीफेरीज है यहाँ पे हीमोग्लोबिन रहता है, और सेंटर में इस प्रकार का पैलर रहता है, मतलब वहाँ पे कलर नहीं रहता है। तो अगर ये जो आरबीसीज में का हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर नॉर्मल है, मतलब 32 to 30% है, तो इसका कलर हमें नॉर्मल दिखेगा, जिसे हम फिर नॉर्मोक्रोमिक कहेंगे। और इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया, मतलब ये जो पैलर है ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आरबीसीज है वो पेल दिखेंगी, मतलब ये जो सेंटर पैलर है वो बढ़ेगा। तो ऐसी जो आरबीसीज है उसे हम हाइपोक्रोमिक कहेंगे, और अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये जो सेंटर पैलर है ये कम हो जाएगा, तो ऐसी टाइप की जो आरबीसी है वो होगी हाइपरक्रोमिक, मतलब उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रेड दिखेगा। तो ये जो हाइपरक्रोमिक टाइप का जो आरबीसी है ये बहुत ही रेयर रहता है, रेयर कंडीशंस में दिखता है, और मोस्ट कॉमनली ये फिर साइडेरोब्लास्टिक
जो एनीमिया है उसमें ये दिखता है। हाइपोक्रोमिक हमें जनरली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दिखती है, और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हमें क्रोनिक डिसीजेस की जो एनीमिया रहती है वहाँ पे हमें नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो तीन इंडाइसेस है MCV, MCH और MCHC, इसके हिसाब से फिर एनीमिया का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। तो वो कैसे वो हम अभी देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो तीन इंडेक्सेस है MCV, MCH और MCHC, इनके बेसिस पे फिर हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिखेंगे माइक्रोसाइटिक, मतलब ये साइज के हिसाब से है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्मोसाइटिक, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्रोसाइटिक। ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोक्रोमिक, फिर लिखेंगे हम नॉर्मोक्रोमिक, और फिर लिखेंगे हम हाइपरक्रोमिक। तो इस प्रकार हमारे पास ये 9 कैटेगरीज तैयार हो गई, जैसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। उसी प्रकार से नॉर्मोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक के भी तीन तीन कैटेगरीज हो जाती है। तो इस प्रकार 9 कैटेगरीज में हम एनीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें कौन से एनीमियाज आते हैं ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, तो आगे कोई वीडियो में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अभी जो तीन इंडेक्सेस वो देखे हैं, तो अब हम देखते हैं हमारा आखिरी इंडेक्स जो है RDW। अब ये जो RDW है इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो ये जो इंडेक्स है इसमें से हमें क्या पता चलता है, इसमें से हमें वेरिएशन इन साइज ऑफ RBC, जो हमारे बॉडी में RBCs रहती है वो अलग अलग साइज की रह सकती है, कुछ छोटी रह सकती है, कुछ मीडियम साइज की रह सकती है, कुछ बहुत बड़ी रह सकती है। तो अगर RBCs के साइज में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो RDW की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर RBCs एक ही साइज़ की है, आइदर बहुत स्मॉल साइज़ की है मतलब एक ही कैटेगरी की है, या आइदर बहुत बड़ी साइज़ की है, सब RBCs बड़ी साइज़ की है मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो RDW की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रहती है। तो इसकी जो वैल्यू का जो रेंज है वो है 11.6 to 14.6। इसका मतलब ऐसा है कि अगर जो RDW है ये अगर 14.6 से अगर ज़्यादा हो गया तो RBCs का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर RDW ये नॉर्मल रेंज में रहता है तो RBC का जो वेरिएशन है वो कम है। तो इसका इम्पोर्टेंस कहाँ आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस आता है जो न्यूट्रिशनल एनीमियाज है उसे डायग्नोस करने में। तो वो कैसे, तो दोस्तों न्यूट्रिशनल एनीमिया में क्या होता है कि ये समझो एक बोन है और इसका जो बोन मैरो है वहाँ से RBCs तैयार होते हैं, तो ये नॉर्मल साइज की RBC अभी तैयार हो रही है। फिर बाद में अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो फिर माइक्रोसाइटिक मतलब छोटी RBC तैयार होना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि जो RBC का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, तो कुछ दिनों के लिए ये जो छोटी RBCs है और जो नॉर्मल साइज़ की RBCs है ये ऐसी मिक्स टाइप की RBCs हमारे ब्लड में रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो RDW है वो बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर कोई दूसरा टाइप का एनीमिया है जैसे थैलेसीमिया है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिकल ही यहाँ पे छोटी साइज़ की RBCs तैयार होती है, लेकिन जो सभी जो RBCs है वो एक ही साइज़ की है, तो इसके कारण फिर जो RDW है उसकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज में रहती है। तो अभी इसका इम्पोर्टेंस कहाँ आता है, तो RDW की वैल्यू हम जब भी देखते हैं तो उसे
एमसीवी की जो वैल्यू है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका आयरन डिफिशियंसी और इसका ही एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो दोनों एनीमियाज है इसमें हमें माइक्रोसाइटिक आरबीसीज मिलती है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी माइक्रोसाइटिक मिलेगी और थैलेसीमिया जो है इसमें भी माइक्रोसाइटिक मिलेगी। लेकिन जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसमें जो RDW है वो बड़ा हुआ मिलेगा और माइक्रोसाइटिक जो है इसमें जो RDW है वो नॉर्मल मिलेगा। तो इस प्रकार हम जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, न्यूट्रिशनल में आयरन डिफिशियंसी भी एनीमिया आता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी आता है, मतलब विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 में अलग चीज़ क्या रहती है कि ये जो छोटी साइज़ की RBC है इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की RBC रहती है, लेकिन वेरिएशन जो है वो RBC की साइज़ का मेंटेन रहता है। तो जो न्यूट्रिशनल एनीमियाज रहते हैं उसमें जो RDW की वैल्यू है वो बड़ी हुई रहती है और जो दूसरे प्रकार के जो एनीमियाज है उसमें जो RDW की वैल्यू है वो नॉर्मल रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आसान भाषा में आपको जो RBC इंडाइसेस है ये क्या होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाने की कोशिश की है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपके दोस्तों में से शेयर कीजिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।